नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दुनिया के कई मुस्लिम देशों में जालीदार टोपी पर संकट बढ़ता जा रहा है, परंतु पाकिस्तान में टोपी के साथ तहमतों में भी आग धधक रही है। हालात इतने रोमांचक है कि देश के मुल्ला पिछवाड़े पर झाड़ू बांध कर और हाथ में जूते लेकर सफाई करने निकल पड़े हैं, पर इसके बावजूद यहां एक बुरकाधारी महिला ने पूरी मदरसा पैदाइश को अपने इशारों पर इस तरह नचा दिया है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय गधा या नृत्य भी फीका पड़ने लगा है। यह महिला कोई और नहीं बल्कि जादू टोना करने और जिनों को काबू करने वाली पिंकी पीरनी उर्फ बुशरा बेगम है। पिछले 3 दिन से पिंकी पीरनी का एक ऐसा कांड जाहिल देश की सुर्खियां बन गया है, जिसके खुलासे के बाद पूरी मदरसा पैदाइश सन है। कहा जा रहा है कि एक लुगाई ने पाकिस्तान में आग ही नहीं लगाई है, बल्कि वो कारनामा कर दिया जिसे कोई भी माई का मुल्ला अंजाम नहीं दे सकता था। आज बुशरा बेगम उर्फ पिंकी पीरनी मदरसा मुल्क की सबसे खतरनाक और खौफनाक महिला की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। इतना ही नहीं, पिंकी पीरनी के पहले खसम खावर माने का की वह अय्याशी भी सामने आई है, जिसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक ऐसा खेल खेला कि न सिर्फ इमरान की सलवार का नाड़ा टूटा, बल्कि पाकिस्तान भी टूटने के कगार पर आ गया है। यह कहानी एक लुगाई दो खसम तक सीमित नहीं है, बल्कि बुशरा ने अपने मकसद हासिल करने के लिए न जाने कितने खसम पैदा कर दिए। जिस मुस्लिम देश में हुरों की चाह में लोटे पेट की आते फाड़ डालते हैं, वहां काले बुरके में लिपटी बुशरा ने हुरों को भी लोटे उठाने को मजबूर कर दिया। खावर मानेका ने अपनी बीवी यानी बुशरा बेगम का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को कैसे लूटा, कहानी करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों खरबों रुपए की है। यही नहीं, इस पूरे खेल को इमरान की अय्याशी और अंधविश्वास को टारगेट करके अंजाम दिया गया, जिसमें सिर्फ इमरान ही नहीं पाकिस्तान के अच्छे अच्छे मुल्लाओं के तहमत कुर्बान हो गई। दरअसल बुशरा बेगम खावर मानेका की दूसरी बीवी थी, जबकि 10 अगस्त 2018 को अपनी बेटी की दोस्त सुमिरा जावेद से खावर मानेका ने तीसरी शादी की थी। इससे इनकी रंगीन मिजाज का अंदाजा भी लगा सकते हैं। खावर मानेका अय्याशी और घपलेबाजी का मास्टर बन चुका है। पंजाब के चकबेदी जनपद आरएफ वाला के चौधरी अब्दुल गफ्फार, जिनकी मौत 2017 में हुई थी, इनकी छोड़ी हुई लगभग 400 एकड़ जमीन पर खावर मानेका ने कब्जा कर लिया। इसके लिए मानेका ने दोस्त रफीक की बहन रुबीना का इस्तेमाल किया था। इसके तहत जाली सर्टिफिकेट बनवाए गए और रुबीना को मृतक अब्दुल गफ्फार की पत्नी बताकर जमीन पर कब्जा कर लिया। चूंकि मृतक अब्दुल गफ्फार का कोई वारिस नहीं था, इसलिए रुबीना को आयशा बना दिया गया और अब्दुल गफ्फार की विधवा साबित कर दी गई। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी साजिश में बुशरा बेगम भी शामिल थी और उस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन चुके थे। यानी बुशरा कहने को इमरान खान की तीसरी लुगाई थी, लेकिन पर्दे के पीछे वह खावर मानेका के साथ मिलकर षड्यंत्र को अंजाम दे रही थी। इमरान खान से बुशरा की शादी करवाने के पीछे खावर मानेका का सातिर दिमाग था। कहा जा रहा है कि दोनों पति पत्नी ने मिलकर यह साजिश रची थी। खावर मानेका को आभास हो गया था कि इमरान का राजनीतिक करियर पीक पर चल रहा है और वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे है। मानेका ने इमरान के आसपास रहने वाले लोगों से यह प्रचार करवाया कि बुशरा बेगम एक आध्यात्मिक खिलाड़ी है और उसके पास हर समस्या का समाधान है। बुशरा रूहानी ताकतों से सीधा संवाद करती है। अगर इमरान को पाकिस्तान की राजनीति में शिखर पर जाना है तो बुशरा बेगम उनकी काफी मदद कर सकती है। इसके बाद इमरान का बुशरा के यहाँ आना जाना शुरू हो गया। इमरान खान अंधविश्वासी होने के साथ अय्याश भी है, इस बात से पाकिस्तान का बच्चा बच्चा परिचित है। इमरान जल्दी बुशरा के लपेटे में आ गया। अब मानेका के सामने बुशरा को इमरान की बेगम बनाने की चुनौती थी। हालांकि बुशरा अपनी बेटी की शादी इमरान खान से कराना चाहती थी, लेकिन लोंडा बुशरा के इश्क में कैद हो चुका था। तय हुआ कि इमरान पहले दूसरी बीवी रहम खान को तलाक देंगे, उसके बाद बुशरा अपने पति मानेका को तलाक देकर इमरान से निकाह करेगी। आपको यह भी बता दें कि बुशरा 5 बच्चों की मां है। बुशरा की उम्र करीब 48 साल है और उनकी पहली शादी 30 सालों तक चली थी। खावर मानेका से उन्होंने 2018 में शादी तोड़ी थी। मानेका पाकिस्तान में कस्टम अधिकारी रहे हैं, जो पंजाब के प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। वहीं बुशरा भी पंजाब के जमींदार परिवार में पैदा हुई थी। खावर मानेका इमरान खान के दोस्त भी रहे हैं।
इसलिए वे इमरान की अय्याशियों और उनके अंधविश्वास के बारे में काफी हद तक वाकिफ थे। इमरान खान ने पीएम बनने से 6 महीने पहले फरवरी 2018 में बुशरा बेगम से एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली। इसके बाद खबर मानने का और बुशरा की साजिश का पार्ट 2 शुरू हो गया। 27 अगस्त 2018 में जब इमरान खान को पीएम बने महज 1 हफ्ता ही हुआ था, पंजाब के पाकपट्टन के जिला पुलिस अधिकारी रिजवान उमर गोंडाल को इसलिए बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने बुशरा के पूर्व पति मानिका को जांच नाके पर रोक लिया था। यह 23 अगस्त 2018 की घटना थी। बुशरा ने इमरान खान के सामने यह मामला रखा था जिसके बाद इमरान के निर्देश पर गोंडाल को बर्खास्त कर दिया गया। खावर मानेका ने अपनी पूर्व बीवी का कितना बड़ा इस्तेमाल किया है इसके सैकड़ों कांड अब सामने आ रहे हैं। इमरान लोंडे से शादी कराकर पैसा बनाने और इमरान की आड़ में पाकिस्तान में दबदबा बनाने का नया रास्ता तैयार हो चुका था। यही नहीं, बुशरा के इमरान की बीवी बनने के बाद मानेका और बुशरा की औलाद ने भी खूब हराम का पैसा कमाया है। पंजाब के मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी और आईजी के ऑफिस के जरिए अफसरों के तबादले और पोस्टिंग करके अरबों रुपए कमाए गए हैं। यही कारण था कि इमरान की सरकार के दौरान पंजाब में कोई भी अफसर 3 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाता था। इस तमाम कारस्तानी के पीछे बुशरा बेगम और मानेका के किकबैक शामिल थे। बुशरा की सलाह पर ही इमरान ने तोसा खाना के उपहारों को देश विदेश में बेच दिया। कहा जाता है कि इस पैसे का अधिकांश हिस्सा बुशरा के पूर्व पति और उसके बच्चों के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया है। दरअसल तय यह है कि अगर इमरान खान की मौत होती है तो बुशरा उसकी संपत्ति की मालकिन बनेगी। इमरान की घोषित संपत्ति 400 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के लगभग है। इसके अलावा इमरान की सैकड़ों एकड़ जमीन हवेलियां और उन्होंने देश विदेश में भी इन्वेस्टमेंट किया है जिसका पूरा बही खाता अब बुशरा के हाथ में आ चुका है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इमरान खान के राजनीतिक कैरियर को तबाह करने के पीछे भी बुशरा और मानेका का हाथ है। मानेका के परिवार के पीएमएल नवाज से पुराने ताल्लुक रहे हैं। बुशरा के जरिए मानेका ही इमरान की एक एक गतिविधि की सूचना शहबाज सरकार और पाकिस्तान की सेना तक पहुंचा रहे हैं। यह बात बुशरा की समझ में आ गई है कि इमरान अब किसी काम का नहीं है। पाकिस्तान में उसका खेल खत्म हो चुका है। जिस मकसद के तहत बुशरा को इमरान के अय्याश खाने में भेजा गया था वह लगभग अब पूरा हो चुका है। लेकिन इन दोनों की नजरें अभी भी इमरान की दौलत पर टिकी हुई है। ऐसे में अगर इमरान खान की मौत हो जाती है तो मानेका और बुशरा को अकूत दौलत हाथ लगेगी। पर हैरत की बात यह है कि इमरान लोडा अभी भी जिनों के आने की बाट जो रहा है जो उसे सिर पर पड़ी आपतों से बचा सकते हैं। बुशरा को जादू टोना करने की गुहारें लगाई जा रही है पर यह सब मुल्लाई हथकंडे हैं। ना कहीं जिन है और ना ही बुशरा कोई बड़ी तोपची है। इमरान के साथ उसने पाकिस्तान को भी चूना लगाया है। यूं भी जिस देश के नेता अय्याश और अंधविश्वासी होते हैं उनका हसर इमरान खान जैसा ही होता है जो सिर्फ एक लुगाई के चक्कर में बर्बाद हो गया। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।